दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार किसी व्यक्ति की आत्मा उसके शरीर के नष्ट होने के बाद भी नष्ट नहीं होती है। व्यक्ति की मृत्यु के बाद आत्मा एक सूक्ष्म शरीर धारण करती है, अन्य लोगों के पास जाती है और अपने स्वयं के पापों या अच्छे कर्मों को भोगती है, और समय आने पर वह दूसरा शरीर धारण करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा अपने शरीर को अपनी आंखों से राख में देखती है। दोस्तों, इस पुराण के अनुसार अपने शरीर को जलाने के बाद अपने रिश्तेदारों के साथ आत्मा का प्यार खत्म नहीं होता है और वह फिर से उनके पास जाना चाहती है। दोस्तों, अंतिम संस्कार में रिश्तेदारों को पीछे मुड़कर देखने पर आत्मा को लगता है कि आप अभी भी उसके प्यार में हैं, जिस वजह से आत्मा के लिए मौके बंधन से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अंतिम संस्कार के बाद पीछे मुड़कर न देखना यह संदेश देता है कि आत्मा को मौके बंधन से मुक्त करने का समय आ गया है। इसीलिए आत्मा को अपने परिवार को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा ऐसी भी मान्यता है कि शरीर के जलने के बाद भी आत्मा अपने परिवार में लौट आती है और शरीर पाना चाहती है। ऐसा माना जाता है कि जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आत्मा आपके प्यार को देखती है और ऐसे में वह व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है और उसे परेशान करना शुरू कर देती है। दोस्तों, अक्सर आत्मा बच्चों या कमजोर दिल वाले लोगों को पकड़ने की कोशिश करती है, इसीलिए ऐसे लोगों को शमशान से लौटते समय सबसे आगे रखना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी जरूर मिली होगी। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।